कहां तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी हम ना सिफत कर सकत तुम्हारी आप ले ओ तुम कथा सुधारी कहां लगे एहो कीट बखाने महिमा तोर तुही प्रभु जाने पिता जन्म ज्यों पूत न पावे कहां तवन का भेद बताए सन्मान्यो गुरु रूप सत्संग जीव विचार आरंभ करिए प्रथम फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक विचार दास ने कल आरंभ की थी सी जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धार्मिक जगत दे जितने भी कम ने जितने भी कर्म ने संस्कृत दे कर्म कह दें पंजाबी च असी कम कह दई की कर्म करदा की कम करदा। धार्मिक जगत दे जितने भी कर्म ने साहिब कहिंदे अगर नाम नहीं जपया जा रहा तो सब व्यर्थ ने व्यर्थ ने। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। इवें सुते सिद्ध नहीं है कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पहली बाणी का नाम जप है, एवें नहीं है, कुछ खास कारण है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह ऐलान ऐसा कहना जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धर्म दे जगत दिच यात्रा आरंभी उसे दिन आउंदी है जिस दिन मनुख जपना आरंभ करता है। उस तों पहले यह तैयारी दिच है, धर्म की तैयारी ते कर रहे है, अजे धर्म दे मार्ग ते चलिया नहीं है। धर्म दे मार्ग ते साड़ी सुरत ने चलना है, शरीर ने नहीं। एक ओ मार्ग जिस ते साड़ा तन चलता है, एक ओ मार्ग जिस ते साड़ा ध्यान चलता है। इस वास्ते भारत देच धार्मिक साधना नू ध्यान साधना कहिंदे ने, ध्यान साधना। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सबे जग छायो। ध्यान उस देश धरो जिस दी शक्ति नाल सारा ब्रह्मंड खड़ा है। फिर प्रश्न खड़ा होवेगा उस शक्ति दा कोई रंग नहीं कोई रूप नहीं तो ध्यान किवें जोड़िए, किथे जोड़िए। धार्मिक जगत विच यह बहुत वड्डा प्रश्न है। साहिब सानू जो फरमान करदे ने धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। यह बुनियादी नुक्ते दास आप जी दे सामने रख रहे है। इसनू समझे बिना इसनू मने बिना धर्म दी यात्रा नहीं है। भावे रोज मनुख गुरुद्वारे आवे कथा कीर्तन सुने दान पुन करे जपना आरंभ नहीं होया तो चलना आरंभ नहीं होया। जपो ता एको नामा
अवर निराफल कामा। मैं फिर दोहरावा जिहड़ी पहली बाणी जप है जिहनूं सत्कार वजों असी जप जी साहब कहिंदे आ। इस दे च मूल नुकते तीन ने, जप किसदा करना है, जप किवें करना है, जप कदों करना है। जप दा मतलब है किसे एक अक्षर ते किसे एक शब्द ते अपना ध्यान लेना। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। महाराज कहिंदे ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए बोल है राम कली राग दा। ओ जो परमात्मा अकथ है जिन्हू बयान करना कठिन है, करीबन करीबन भगतां ने ऐसा ही आख्या है। दूर क्यों जाओ, धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, जे हो जाना, जे मैं उसनू जान भी लिया, जे मैं उसका रस माण भी लिया, आखा नाही मैं कहना नहीं। महाराज जान लिया ते कह दो, रस माण लिया ते कह दो, कईयां नू पता चल जाएगा, कईयां नू बोध मिल जाएगा। पता साहब की कहिंदे ने, जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाए। जो मैं कहना है, जो मैं कथनी करनी है, ओ देच पूरा आमदा नहीं, मैं पूरा नहीं बयान कर सकता। फिर सतगुरु कहिंदे ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा। मैं कथन कर करके देख लिया, मैं बोल बोल के देख लिया। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाए। वो अकथ है, मैं कथन नहीं कर सकता, नहीं कह सकता। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच प्रमाण करदे ने, कहा नाम तां को कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो ना आवे। हे प्रभु तू की है मैं नहीं कह सकता। कहा नाम तां को तेरी हस्ती की है, तू है की। वो रस्ते आनंद की है, कहा नाम तां को कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो ना आवे। मेरे कहने च नहीं आउंदा, मैं जितना कहांगा उहदे च परमात्मा पूरे दा पूरा प्रगट नहीं आउंदा। दुनिया भर दे भगतां ने यही आख्या अकथ है। कबीर भी कहिंदे ने, हर की अकथ कथा है न्यारी। लेकिन फिर भी भगत बहुत बोले ने, संत बहुत बोले ने। एक पासे कहिंदे ने असीं कह नहीं सकदे, फिर भी कहिंदे ने। वो कहना सिर्फ इशारा है, वो कहना इंज है जिवें सागर दे चों इक चम्मच पानी किसे नूं प्राप्त होवे ते अगों रख देवे। कथनी पूरी नहीं हो सकती। इस रस नूं कोई माण ते सकदा है, बयान नहीं कर सकदा। इस रस नूं कोई माण ते सकदा है, वंड नहीं सकदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारी दुनिया देच धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया देच धर्म घटदा जा रहा है। पता है क्यों? बड़े ध्यान नाल सुनना। धन दी वसीयत हो सकती है, पिता पुत्र दे नां कर सकदा है, भरा भरा दे नां कर सकदा है, पति पत्नी दे नां कर सकदा है, पत्नी दा धन पति दा हो सकदा है। लेकिन मैं अर्ज करां, धर्म दी वसीयत नहीं हो सकती। अगर किसी ने रब्बी रस माण लिया, उहदी वसीयत नहीं हो सकती। इस वास्ते देखिया गया है,
पिता धार्मिक है, पुत्र धार्मिक नहीं है। पुत्र धार्मिक है, पिता धार्मिक नहीं है। वसीयत नहीं हो सकती। प्रहलाद धार्मिक है, उदा प्यो धार्मिक नहीं है। हरनाकश उते दुष्ट से, महान दुष्ट से, उन्हें ते अपने छोटे जिया बच्चे नो बड़ा तंग कीता है, बहुत परेशान कीता। एक दफा मैं फिर अर्ज करा, पदार्थ दी तरह चुक के इस तरह किसे नो रब्बी रस नहीं दिता जा सकता, आज तक नहीं दिता। भावें अवतारी पुरुषा ने बड़ी कोशिश की थी, ये दो शब्द बर्दाश्त करना, कोई अवतारी पुरुष अपने मकसद दे सफल नहीं होया, नहीं होया। कारण ये चीज ऐसी चुक के किसी की चोली च नहीं पाई जा सकती, सिर्फ समझाया जा सकता है, प्रेरिया जा सकता है, चल तू रस माण सकदा। लेकिन अवतारी पुरुषां दी गल किसने मनी है? करीबन करीबन सारे अवतारी पुरुषां नाल वकत दा समाज टकराया है। उहदा एक कारण भी है, धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करदे ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, तालमेल नहीं बैठता। भगत दा आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल नहीं बैठता। मैं अर्ज करा, दो तरह के मनुखां दा आम जगत नाल तालमेल नहीं बैठता, एक संत दा, एक पागल दा। दोवें समाज दा हिस्सा नहीं बनते। एक दी गल इतनी उच्ची है, इतनी उच्ची है सिर दे उपरों लंघदी, एक दी गल इतनी नीवी है, इतनी नीवी है पैरां दे थलों लंघदी। समाज नाल तालमेल नहीं बैठता पागल दा, समाज नाल तालमेल नहीं बैठता संत नाल, संत दा। दूसरा नुक्ता भी सुन लेना, जिसका आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठ सकता है, ना वह पागल है ना वह संत है। उन्हें संत कहने की भी कोई लोड़ नहीं, उन्हें पागल कहने की भी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठता उसका। आम बंदियां नूं कई दफा पहचानना औखा हो जाता है, पागल कौन है ते संत कौन है। यह भी मैं अर्ज करा, क्योंकि दोहां दी तर्जे जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खांदी। पागल ते पागल दी तरह दिखाई देंदा, औखे ना होना, संत भी पागल दी तरह दिखाई देंदा, दूर क्यों जाओ। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, कोई कहे भूतना को कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक विचारा, पाया दीवाना शाह का नानक बौराना। लोकी बौराना कहिंदे, पागल कहिंदे, दीवाना कहिंदे। सारा बनारस कबीर नू पागल कहिंदा है, उस वक्त कबीर खुद कह रहे हैं, लोग कहें कबीर बौराना। हद हो गई, इको ते बंदा है बनारस दे जिहड़ा सियाणा है, पर सारा बनारस कह रहा है पागल। लोग कहें कबीर बौराना, पर कबीर का मरम राम ही जाना है, ते राम नो पता है मैं किया, पर जगत ते कह रहे हैं पागल, कबीर पागल है। दोहां दा तालमेल नहीं बैठता समाजिक जिंदगी नाल, संत दा और पागल दा। कई दफा पहचान करनी औखी हो जाती है, पागल कौन है ते संत कौन है। आम बंदा तो नहीं पहचान सकता। शायद मैं अर्ज की थी कि नहीं, दोहरा दें, संत नू सिर्फ संत पहचान सकता है। एक बच्चे नू की पता है जवानी की आती है, दोहरा दें,
जवानी की उमंग की आती है, तरंग की आती है, उसके जज्बात की आते हैं। एक बच्चे नू की पता है भावें जवान उसके सामने ने, पर एक जवान नू की पता है बुढ़ेपा की आता है, भावें बुढ़े उसके सामने ने। बुढ़ेपे की खासियत की है, बुढ़ेपे की मजबूरियां की ने, बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे की कमजोरी की है। महानता है बिरधावस्था की, जिंदगी की पौड़ियां ते ज्यादा चढ़िया तो ज्यादा जानता है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानता है। इस वास्ते कहिंदे ने उम्र भी एक उस्ताद होंदी है, बड़े तो बड़ा उस्ताद कुछ गल्लां नहीं समझा सकता, उम्र सिखा देंदी है, उम्र तो बोध मिल जाता है। इस वास्ते बिरध मनुख को एक खासियत ते है, जिंदगी दियां पौड़ियां ज्यादा चढ़िया ज्यादा जानता है, पर बहुत वड्डी कमजोरी है जानन दा, हंकार भी है, मैं बहुत जानदा। पता है हंकार गुणा दे आसरे ते चलदा है, औगुणा दे आसरे ते नहीं। एक मनुख अपनी मूर्खता दा की हंकार करेगा, भई मैं माड़ा मोटा मूर्ख नहीं हां, बहुत वड्डा मूर्ख हां, हंकार कर सकदा है। पर एक मनुख सियाणप दा हंकार कर सकदा है, मैं माड़ा मोटा सियाणा नहीं, बहुत वड्डा सियाणा, बहुत जानदा। एक मनुख चोरी का की हंकार कर सकता है, बल्कि छुपाएगा। अज तक किसी चोर ने किसी समाज दे च नहीं आख्या मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हां, बहुत वड्डा चोर हां, इस तरह किसी ने भी नहीं आख्या। इस तरह आखण वाले लखां ने मैं बहुत वड्डा दानी हां, ते जे आप ना आखण ते दीवारां ते लिखांदे ने, फर्शां ते लिखांदे ने, दरवाजियां ते लिखांदे ने, धर्म मंदिरां च देख सकदे हो, इतना देता है। मनुख औगुणा का अहंकार नहीं कर सकता, गुणा के आसरे ते कर सकता है। अहंकार असवार आता है गुणा के आसरे ते। एक बुढ़े को इतना गुण तो है, ज्यादा जानता है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानता है, जीवन दियां पौड़ियां ते ज्यादा चढ़े है, तो अहंकारी तो होगा, भावें कमर झुक जाए मन नहीं झुकेगा। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की आती है, एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की आता है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आती है, मर के ही पता चलता है मौत की है, भावें लाशां सैकड़े देखियां होन, भावें शमशान घाट दे सौ दफा गया हो, भावें इन्हां अखां नाल सैकड़े मुरदे इसने जलदे देखे हो, मौत दा पता चलदा है मर के, जिवें बुढ़े होके ही बुढ़ेपे दा पता चलदा है उंज नहीं, जवान होके ही जवानी दा पता चलदा है उंज नहीं, संत होके ही पता चलदा है संत की है, भगत बन के ही पता चलता है भगती की है, उंज नहीं पता चलता। भगत दी पहचान भगत कर सकता है, दूसरा नहीं। संत दी पहचान संत कर सकता है, दूसरा नहीं। किस तरह पहचान करेगा, किवें पहचान करेगा? एक बच्चे नू की पता जवानी की आती है, एक जवान नू की पता है बुढ़ेपा की आता है, और एक बुढ़े नू की पता है मौत की आती है। अगली किछ खबर ना पाई, अगे दी खबर नहीं आती मनुख नू। साहिब कहिंदे ने एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, लेकिन फिर भी एक पहचान है। अगर समाज कहण लग पे पागल, ये पागल है, तो संभावना ऐसी छुपी है, या तो पागल होवेगा या संत होवेगा, दोहां च एक है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक दिन बख्शिश दे घर दे च आके नंद लाल नूं आखिया, पुरखा तू बहुत प्यारा लगदा है मैनू, तेनू देण नूं कुछ जी करदा है मेरा।
पर मैं ऐसा देना चाहना जो तेरी खुशी होवे, जो तेरी मंग होवे, तू मंग। पता है नंदलाल ने की आखे, महाराज इस दर ते जद मैं आया सी बड़िया मंगा नल भरे आया सी, इत्थे रेंदिया रेंदिया मंगा ते सारिया ही मिट गई। अज आप कहिंदे हो मंग लो, ते जद हिरदा मंगा नल भरे आया सी कदी आख्या ही नहीं तुसी। अज कहिंदे हो मंग लो, नाम जपण नाल हर चंगी ख्वाहिश पूरी हो जांदी है, हर माड़ी ख्वाहिश मर जांदी है। हिरदा ख्वाहिशां तो रहत हो जांदा है, हिरदा इच्छावां तो रहत हो जांदा है, इच्छावां दा बोझ मन ते नहीं रह जांदा। एक बुनियादी नुकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहण लगे, नंद लाल जी हुण असीं कई बैठे हां, चल तू साडा बोल ही रख दे, साड़ी खुशी वासे कुछ मंग ले, सानू खुशी मिली गई तेनू दे के। नंद लाल ने मंगे, या इलाही चश्मे बीन आए बिदे। भाई साहब जी दी सारी बाणी फारसी दे च है, दीवाने गोया, तौसीफे सना, बंदगी नामा, ये सारियां रचनावलियां पोथियां भाई साहब जी दियां परशियन दे च ने। भाई साहब मंगदे ने, या इलाही चश्मे बीन आए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ऐ मेरे इलाही जे देना है ओ अखां दे जिहड़ियां थानू देख सकन। तू नंद लाल कोई अंधे ते नहीं सन, नानक से अखणियां बेअन जिने टिसंदो मां पिरी। साडे हिंदू वीर इत्थे तिलक रांदे ना, इत्थे तीसरी अख है, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤ੍ਰੈਨੈਨੰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਣਿਓ ਕਾ ਸਕੀਸਨ ਹਣਿਓ ਸਰਬ ਸੈਨੰਗ, ਬਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਾ ਤਾਹੇ ਕੋਪਿਓ ਤ੍ਰੈਨੈਨੰਗ। ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਖੁੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੁਰਦਬੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖਗੋਲ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, भाई साहब मंग करते ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे। तीसरी अख खुल जाए तो फिर एक हालत बनती है, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। सिर दे च ओ इश्क दे, ओ प्यार दे के जगत कह देवे सौदाई है, पागल है। नंद लाल कहिंदे ने, महाराज अजे ते लोकी मैनू कवि कहिंदे ने, गुरसिख कहिंदे ने, ज्ञानी कहिंदे ने, आलम फाजल कहिंदे ने, दार्शनिक कहिंदे ने, विद्वान कहिंदे ने,
अजे ते ने 52 कवियां दे चों सिरमौर कवियां, अजे लोकी मैनू पागल नहीं कहंदे, एक कमी है। अजे ते मैं समाज दा अंग हां। दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, ओ प्यार दे मेरे सिर दे च, कि एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए, सुदाई हो गए। दूर क्यों जाओ, माता तृप्ता ने कह दिता सी मेरा पुत्र नानक सुदाई है। दुनिया की तो गल ही छोड़ो। दूर क्यों जाओ, कबीर की मां कहती है मेरा पुत पागल है, और मां कौड़े बचन भी बोलती है, सात सूत इन मुंडिया खोए, मुंडिया क्यों ना मोयो, ये जमदा ही मर जाता चंगा सी, ये कबीर की मां कहती है। निरा ही पागल करदा बोझ। मैं फिर अर्ज करा, दो तरह के मनुख समाज का हिस्सा नहीं बनते, एक पागल एक संत। संत की जिंदगी, संत दे बोल इतने उच्चे ने, सिर दे उपरों लंघते हैं। कोई अपनी सुरत उच्ची करे, सिर उच्चा करे, तो तालमेल बैठे। पागल दे बोल इतने नीवे ने पैरां दे थलों लंघते ने। जे बच्चा तुतला के बोल रहा, जिस तरह का बोल रहा है, उस बच्चे नाल गुफ्तगू करन वास्ते छोटे तल ते आना पैंदा है, अपने बोलां नू छोटा करना पैंदा। कई दफा मां बाप भी तुतला के बोल देन उस बच्चे नाल, क्योंकि जिस तल ते बच्चा बोल रहा उहदे नाल संबंध जोड़न वास्ते उही तल चाहिए। पागल दे बोल पैरां दे थलों लंघदे, समाज का हिस्सा नहीं बनते। संत दे बोल सिर दे उपरों लंघदे, ये दोवें समाज का हिस्सा नहीं बनते। दर सरम इश्क सौदा ए बिदे, नंद लाल कह रहे महाराज अजे लोकी मैनू सियाणा कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने, खेड नहीं बनी। थोड़ी संगत दे च रह के भी खेड नहीं बनी। यही प्रमाण पत्र होवेगा, यही पहचान होवेगी कि मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है, जब जगत कह देवे नंद लाल पागल है, सौदाई है। मैं फिर अर्ज करा, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। अमीर खुसरो दा एक बोल है, हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी, बंदगी गुजार बंदा सी, कहिंदा है अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। चंगा होया लोगां ने पागल आखना शुरू कीता है, जान छुट्टी, किस किस नाल मत्था मार दे। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, खुश हो जांदे ने भगत, लोकां दा खेड़ा छड्डिया, मत्था मारन रह गए। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। हुण मैं अर्ज करा, अगर रोज रोज देखी सारी दुनिया देच धन वद्दा जा रहा है, सारी दुनिया देच धर्म घटता जा रहा है। इंग्लैंड देच मैं देखदा गली गली देच दो दो चर्च ने बड़े खूबसूरत, अज बनाइए ते करोड़ां दमड़े खर्च होण। कम से कम 70 गुरुद्वारे इंग्लैंड दे चर्च दे अंदर बने ने, सिंघां ने चर्च खरीदे ने, पादरियां ने बेच दिते ने। कहिंदे ने मेंटेनेंस ते जो खर्चा हुंदा है ओह भी नहीं आउंदा, तो की करिए चर्च नूं चला के, कोई आउंदा नहीं, बेच दिते ने। न्यूयॉर्क दा पहला गुरुद्वारा चर्च दे अंदर, उपर क्रास अजे भी बनिया है, अंदर ईसा दीआं तस्वीरां शीशे दे उत्ते अजे भी चित्रियां होईआं ने, बेच दिता उन्हां। गली गली देच दो चर्च ने इंग्लैंड देच, पर ताले लगे उन, शाम नूं कोई दीवा बत्ती भी नहीं है, पर गली गली देच दो पब ने भरे रहिंदे ने, शराब पी रहे लोकी, सवेरे पी रहे, दोपहर नूं पी रहे, शाम नूं पी रहे। चर्च उजड़ गए ने, रौनक शराबखाने च।
मधुशालियां चे चर्च ते उजड़ गए ने। सारी दुनिया देच धर्म घड़दा जा रहा है, भारत देच बेशतर मंदरां देच कोई घड़ियाल वजाण वाला भी नहीं है, खड़े ने मंदर, बड़े कीमती मंदर। बहुत सारे मैं गुरुद्वारे देखदा, अठ अठ मंजिला उन्हां दी इमारत है, अमृत वेले चले जाओ कोई अठ बंदे भी कोई नहीं है, नहीं नहीं। सारी दुनिया देच धर्म घटदा जा रहा है, सारी दुनिया देच धन वधदा जा रहा है और वधेगा, कारण धन दी वसीयत हो सकती है, प्यो पुत्र नू दे सकदा है, वड्डा बिरा छोटे बिरा दे ना कर सकदा है, पत्नी दा धन पति दा हुंदा है, पति दा धन पत्नी दा हुंदा है, दादा पोते नू दे सकदा है। धर्म ये निजी दौलत है, नहीं दे सकदा कोई, नहीं ते बड़े बड़े संतां दे घर औलाद अधार्मिक ना आउंदी। ये भी मैं अर्ज कर दिया, गुरु नानक दी गद्दी दे वारस ने धन गुरु रामदास जी महाराज, उन्हां दा वड्डा साहिबजादा पृथ्वी चंद धार्मिक नहीं है। सारी जिंदगी पहले गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा, फिर लड़दा रहा गुरु अर्जन देव जी नाल, फिर जहांगीर दे कन्न भरदा रहा, फिर शाही सेना दे आसरे थे मदद लेके मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज दा घर घाट लुट लिया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने बार बार पृथ्वी चंद नू समझाया भी सी, एक वाक है, काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो जगरत पाप। इते पाप है, तू पाप करदा है, सवेरे तो लेके शाम तक झगड़दा। पिता गुरु नानक दी गद्दी दा वारस वकत दा अवतारी पुरश ये वड्डा साहिबजादा इस मार्ग दा पांदी नहीं है। प्रहलाद ब्रह्म ज्ञानी है, 5 साल दी उम्र रेच इहदी समाधि लग गई, इहनू रब्बी रस आउंदा है, प्यो इसका धार्मिक नहीं है, पिता दुष्ट है। हालांकि बड़ी प्रार्थना की थी सी प्रहलाद ने, हे प्रभु जेड़ा तेरे नाम दा रस मेरे कोल है मेरे प्यो नू भी दे दे, इहदा भी संसार ते आया सफल हो जाए, पर नहीं, उसकी ता जिंदगी लड़दा रहे। मुख्तसर मैं अर्ज करा, यह दौलत निजी है, वंडी ने इंज चुक के इंज नहीं दिती जा सकती, अगर इस तरह दिती जा सकती तो एको ही अवतारी पुरुष काफी सी सारी दुनिया नू दे जांदा, इतनिया दे आण दी लोड़ नहीं सी। जौक ते कहिंदा है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कहिंदा हजारां अवतारी पुरुष आए ने, कहिंदा मैं मनदा पर होया कि ये बंदा ते अज भी भटक रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंज कहिंदा है। उदों भी भटक दे सन, अज भी भटक रहे हैं। महापुरुष वद तो वद इशारा कर सकते हैं, जपो, ये दौलत वंडी नहीं जा सकती। इस वास्ते धार्मिक इतिहास नूं पढ़िए, पति धार्मिक है पत्नी धार्मिक नहीं है, पत्नी धार्मिक है पति धार्मिक नहीं है। इतिहास कह रहा है मीरा धार्मिक सी, उदा पति चितौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं सी, उन्हें घरों कढ़ दिता सी, उन्हें साफ किया सी मैनू पत्नी चाहिए संतनी नहीं, ये दिन रात भजन दे चलीन रहिंदी। पहले जहर दे के मारन दी कोशिश की थी, नहीं मरी, जहर पी गई नहीं मरी, भेजिया एक कटोरे दे जल दे जहर मिला के, बई ये मथुरा तो बिंद्रा बन तो मंदिर दा चरणामृत है, खुशी खुशी नाल पी गई चरणामृत है, जहर सी नहीं मरी। एक होर भी मैं अर्ज कर दिया, भगत नामदेव जी महाराज का वाक है,
दस बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिटना सैंस तस्दीक कर दिए या नहीं ए जरूरी नहीं क्यों सैंस जिथे खत्म होंदी है धर्म की गलती उत्थों शुरू होंदी है वो आंतरिक ज्ञान है सैंस पदार्थ दा ज्ञान है अखां दे आसरे ते खड़ा है इस वास्ते अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता पदार्थ नु चीरना है फाड़ना है लेकिन धर्म ते ध्यान साधना ते खड़ा है ध्यान धरो तैं को मन में दस बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिटना मैं इना दसा इंद्रिया नु काबू कर लिया ते पंज विकारां दा नामो निशान मिट गया नाम देव कहंदे ना सत्तर दोए भरे अमृत सर बिख को मार कड़ा सत्तर ते दो बहत्तर मोटियां नाड़ा ने शरीर दे अंदर जिन्हां दा हजारां छोटियां छोटियां बारीक सूक्ष्म नसां नाल संबंध है लेकिन मोटियां नसां ए बहत्तर ने आयुर्वेद आचार्य ऐसा मंदिर भगत ऐसा मंदिर नामदेव कहंदे ने सत्तर दोए भरे अमृत सर सत्तर ते दोए जिहड़ियां बहत्तर मोटियां नाड़ा ने इन्हां च खून गर्दिश नहीं कर रहा की गर्दिश कर रहा अमृत अमृत नाल भर गई सत्तर दोए भरे अमृत सर बिख को मार कढ़ाओ सारी जहर मेरे जीवन चो निकल गई है मेरा खून अमृत हो गया खून अमृत हो गया पावन हो गया पवित्र हो गया एक पवित्रता ते दवाइयां नाल बेचदा खून खराब है ते खून साफ कीता जांदा है चलो साफ हो गया खून अमृत सत्तर दोए भरे अमृत सर ए बहत्तर मोटियां नाड़ा अमृत नाल भर गई विश्वास नहीं बैठेगा मैं फिर अर्ज करा ए बड़ ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोय हुण जिसदा खून अमृत हो गया है कोई मनुख जद शहीद आउंदा है तो किसी खून दिच उछाल आंदा है शहीद हो जांदा है कोई खून दिच उछाल आ जांदा है भगत बनदा है कोई खून दिच ऐसा उछाल आ जांदा है और दृढ़ इरादा कर लैंदा है नेकियां दा इकबाल इंज कहंदा है एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तां बन जाए एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए एक खून के कतरे में वो तासीर है एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए खून दिच उछाल आ गया भगत बन जाएगा शहीद बन जाएगा खेड़ सारी खून दी आउंदी है लगदा है मीरां दा खून अमृत से ताई जहर कम नहीं कीता शायद जिन्हां ने इतिहास पढ़िया पता होवे पृथ्वी चंद ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं जहर पिलाया सी छोटी बालक अवस्था दे इतिहास है ताकि गुरगद्दी मेरे कोल होवे गद्दी दा वारस नहीं होना चाहिए जहर पिला दिता से जहर ने काम नहीं किया पृथ्वी चंद वैद नू डांटता रहा जिसे कोल जहर लिया वैद ते कहिंदा रहा ये जहर ऐसी सी इहदी ते एक बूंद हलक तो थले जांदी ते जान बाहर आनी सी पर हुण समझ नहीं आउंदी जहर ने काम क्यों नहीं किया जिहदे खून दे जर्रे जर्रे च अमृत होवे तो जहर की कम करे जहर पी गई मीरा नहीं मरी फिर पटोरी दे फनियर नाग भेजिया चित्तौड़गढ़ दे राणे ने आख्या ए पुष्प है फुल्लां दी माला है श्री कृष्ण लई उसे तरह पटोरी दे चों सप नूं चुक के दृष्टि ऐसी होई पई सी फुल गले च पा दिता सपने डंग नहीं मारे
अनेका मारण दे तौर तरीके अपनाए नहीं मरी तो फिर घरों कट दिता। राजस्थान दे जंगलां दे चमीरां भटकदी रही, कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी। वे घरों धक्के मार के कढ़ी हुई है। राजपूत घराने दी बहुत बुरा मनांदे सन इस गल नूं, और खुद कहंदी है मीरां, कोई कहे कुलटा अकुलटा अकुलीन कोई, कोई कहे लंकनी कलंकनी कुनारी हो, मेरे ते तुम तो दुनिया लांदी है। ये वैश्य है, ये कलंकनी है, ये कुलच्छनी है, ताई ते घरों कढ़ी गई है। मीरां नूं कोई मंदिर दे च नहीं वड़न देंदा सी, धर्मशाला च नहीं वड़न देंदा सी। रुखां तले बैठ के एक तारा वजा के गीत गांदी रही, जंगलां च भटकदी रही। जिन्हां जिन्हां दरख्तां दे थले बैठ के इसने गीत गाए, बाद दे च राजस्थान दे रजवाड़िया ने उत्थे उच्चे उच्चे मंदिर खड़े कीते ने, सोने दे कलस ने। लेकिन उस समय ते कोई कस्बे च भी नहीं वड़न देंदा सी। मीरां धार्मिक है, उहदा पति धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक है, उहदी पत्नी धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन दी बाणी तुसी पढ़ लो। अमृत वेले उठ के त्रिलोचन भजन करदा है, राम नाम दा जप करदा है। त्रिलोचन दी पत्नी राम नूं गालां कढ़दी। अधकड़ उम्र हो गई सी, घर दे च औलाद नहीं सी, ते कहिंदी की दित्ता है राम ने, की दित्ता है रब ने। पशुआं दे भी बच्चे हो जांदे ने, साडे घर एक बच्चा कोई नहीं। सौ सौ गालां कढे, वो प्रभु दा नाम जपे, वो प्रभु नूं गालां कढे। ये त्रिलोचन दा शब्द है, नारायण निंदस काहे भूली गवारी, ऐ गवार स्त्री ये की कर रही है, क्यों निंदा कर रही है। पहले ही दुखी है, अपना दुख और वधा रही है। नारायण निंदस काए भोली गवारी, दुखरत सुकरत थारो करमरी। दुख सुख फल होंदा है, कर्म बीज आउंदा है। फल बिना बीज तो नहीं आउंदा। दुख एक फल है, सुख एक फल है। तू दुखी है, बीज ऐसे बोए ने, ते हुण होर बीज ऐसे बो रही है, होर दुखी आवेंगी। दुख ते एक फल है, सुख ते एक फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर इसका बीज होवेगा, बीज कर्म है। तू ठीक बीज नहीं बो रही। जमीन दे उते कोई बीज बोवे ऐसा होंदा है, बोया किसे ने खांदा कोई है, दरख्त किसे ने लाया फल कोई खांदा है। पर जीवन दे उते जो कर्म करदे आ आप ही खाने पैंदे ने, आप बीज आपे ही खाए, खुद खाने पैंदे, खुद बोया खुद खाना पड़ेगा। त्रिलोचन धार्मिक है, यदि पत्नी धार्मिक नहीं है। मीरां धार्मिक है, इदा पति धार्मिक नहीं है। धन गुरु रामदास जी महाराज वकत दे अवतारी पुरुष ने, वड्डा साहिबजादा इस मार्ग दा पांदी नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है, उदा पिता दुष्ट है, धार्मिक नहीं है। इतिहास भरा पिया इस तरह दे होर इतिहासक मनुख ने, इतिहासक घराने ने। एक बंदा ही धार्मिक है, बाकी नहीं ने। पिता धनवान है, पुत्र आपे ही धनवान हो जाता है। पिता राजा है, पुत्र आपे ही राजकुमार हो जाता है। पिता बादशाह है, बच्चा आपे ही शाहजादा हो जाता है। पति हुक्मरान है, राजा है, पत्नी आपे ही राणी हो जाती है। पति धनवान है, पत्नी आपे धनवान हो गई, या पत्नी धनवान है, पति आपे ही धनवान हो गया। पति दा धन पत्नी दा है, पत्नी दा धन पति दा है। पिता अपने धन दी वसीयत पुत्रां दे ना कर सकदा है, पोतरियां दे ना कर सकदा है। पति दा धन पत्नी दा है, लेकिन धर्म एदी वसीयत नहीं हो सकती, निजी है। घर दे च दस मनुख होन हो सकदे, कोई इक धार्मिक होवे, बाकी नहीं। संसार दा इतिहास इसे नाल भरिया पिया।
यही कारण है रोज रोज सारी दुनिया दे धन वद्दा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है, बैलेंस बिगड़ गया है, मनुखी समाज का संतुलन खो गया है। संतुलन ते तां बनना से धन भी वद्दे धर्म भी वद्दे, ऐसा होया नहीं, ऐसा है नहीं। धन बहुतात दे च वद रहा है, धर्म ते किधरे 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 एक अद घर दे च। और ये निजी दौलत है जपदे ही प्राप्त होंदी है, उंझ नहीं, जेड़ा जपदा उसनों ते जप के जिसनों प्राप्त होया किसी दे हाथ भी नहीं पकड़ा सकता भी ऐ लै मैं तेनों नाम देना। नाम कोई गाजर मूली नहीं है दे देना, नाम जपण की प्रेरणा देंदे हैं संत लोग। तो किसी का हिरदा जपण नू राजी हो गया तो सत्संग का फल मिल गया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आन का फल मिल गया, क्यों जपण लग पे। धन गुरु नानक देव जी महाराज की पहली बाणी जप और सतगुरु का संदेश उपदेश, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। जप किवें करिए, रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। रसना नाल जपना, किन्ना क जपना है गिनती मिनती नहीं रखनी, मैं इन्ने सौ दफा माला फेरी है ते ये कीता ते ओ कीता, इत एक दू जी बहु लख होवे लख होवे लखवीस। एक जबान दो हो जान दो, वी हो जान वी, लख हो जान लख, वी लख हो जान, एक एक रसना ना लखां लखां वारी वाहेगुरु 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 उचारण करिए। इतरापत पौड़ियां यही परमात्मा दे घर दियां पौड़ियां ने, यही पौड़ियां ने। चढ़िए होए एक ही चढ़ के मनुख एक ईश्वर दा रूप हो जांदा, यही पौड़ियां ने। पर हुण प्रश्न पैदा हुंदा है, जपिए वाहेगुरु वाहेगुरु ध्यान किथे रखिए। बदकिस्मती है अक्सर यह सिलसिला वो लोग दसदे ने जिन्हां दा स्वयं इस बारे कोई अनुभव नहीं आउंदा, कहिंदे तस्वीर दे ध्यान जोड़ो, मूर्ति दे ध्यान जोड़ो, इत्थे ध्यान जोड़ो। गुरु ग्रंथ साहिब च मैनूं एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलिया जिथे सतगुरु ने कहा वे इंज करो ऐसा करो। बेशतर संत ऐसा कहते हैं, अगर मूर्ति ध्यान जोड़ना है ध्यान बाहर गया, तस्वीर दे ध्यान जोड़ना है ध्यान बाहर गया, मथे ते ध्यान जोड़ना है ध्यान बाहर गया, ध्यान ते अंतर्मुखी करना है। तो ध्यान नू अंदर करिए, इहदे वास्ते कोई साधन वसीला। साहिब कहिंदे ने धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन देश ध्यान जोड़ने, वो धुन वाहेगुरु ए धुन है ना, ए देश ध्यान जोड़ना है। तो धुन दा तो कोई ना रंग ना रूप, आवाज दा तो कोई रंग रूप नहीं, कोई चक्कर चैन नहीं है। थोड़े विच जिहड़े कोई इस मार्ग दे पांदी होणगे थोड़ा बहुत करदे होणगे शायद उन्हां दे पल्ले कुछ पवे, बाकियां लई ए सिल अलोणी चटनी है। धुन में ध्यान एकाग्रता बख्शनी, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन देच ध्यान जोड़ना है, शब्द देच सुरत जोड़नी है। तो धुन दा ना कोई रंग ना कोई रूप, किस तरह ध्यान जोड़ी है? धुन दा ना कोई आकार ना कोई चक्र चैन, धुन देच किस तरह ध्यान जोड़ी है? साहिब कहिंदे धुन नूं सुणो, ते सुण तां ही सकेगा मनुख जे ध्यान है, नहीं ते नहीं सुन सकेगा। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है, दूजा सुन रहा हुंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्रा ए गल फिर आख मैं नहीं सुनी। भई तू क्यों नहीं सुनी? कहिंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो सुनना ते ध्यान ने, और किसने सुनना?
ध्यान नहीं है, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे है, नहीं सुनाई देगा। एवें जबान पे ही बोल दी, बाणी पढ़ रहे है, अगर उस विच ध्यान नहीं तो संबंध नहीं जुड़ेगा। भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी। गुरु दा मंत्र शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, आनंद बनेगा, महारस बनेगा। शब्द मुंह दे राही अंदर नहीं जाएगा, मुंह दे राही बाहर प्रगट होएगा, कन्ना राही अंदर प्रवेश करेगा। सरवनन गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत, गुरु तेग बहादुर साहब जी। जबान नाल उचारण करो, कन नाल सुनो, गाविए सुनिए मन रखिए। भाव हुण मैं अर्ज करा, ये इतना औखा कम है, इतना औखा कम है, सतगुरु नूं कहना पे आखण औखा साचा ना औखा। ये कथा करनी, कीर्तन करना, पाठ कर लेना या ध्यान तो बिना वाहेगुरु वाहेगुरु घंटा दो घंटा कर लेना, इतना औखा नहीं। जबान वाहेगुरु उचारण करे ते मन सुने, ये कम औखा है। गाविए सुनिए, जे मैं सुनिया ही नहीं तो शब्द अंदर गया ही नहीं, जे शब्द अंदर गया ही नहीं तो अंदर दी दुनिया बदलनी नहीं। जैसे सारा दिन पानी दा घुट मेरे मुंह च होवे, मैं थल्ले ना करा प्यास नहीं मिटेगी। सारा दिन भोजन दी बुरकी मेरे मुंह च, मैं थल्ले ना करा भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन मैं वाहेगुरु वाहेगुरु जपदा रहा, कख भी कुछ तब्दीली नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। 18-18 घंटे पाठ करन वाले मैं पाठी देखे ने, दिल्ली दे, अमृतसर दे, पटना साहब दे, हजूर साहब दे। एक पाठ तो उठे दूजे ते, दूजे तो उठे तीजे ते। 18-18 घंटे पाठ 24 घंटे कर रहे हैं, बेचैन परेशान दुखी, लोभ हंकार वासना झूठ फरेब, कोई तब्दीली नहीं, कोई अंदर दी दुनिया बदली नहीं। अंदर दी दुनिया ते तां बले कोई पंक्ति अंदर जाए, अंदर जाएगी तो जरूर बदली होवेगी। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। जपना जबान उचारण करे ते मन सुने। हुण एक बुनियादी नुक्ता मैं थोड़े सामने रख दें, फिर खुलासा। जद मन विच फुरना पैदा होंदा ना बोलन दा, पवन नाभी नाल टकरांदी है, नाफ नाभी, इत्थों फिर आवाज उठती है, धुन उठती है। इस वास्ते सारे भारत विच नाभी नूं धुनी कहिंदे ने, धुनी, धुनी तो मुराद जिथों धुन उठती है, आवाज उठती है। बुनियादी नुक्ता आप जी दे सामने रख रहे हैं, ध्यान नाल सुनना। नाभी नूं धुनी क्यों कह दिता? धुन इथों ही उठती है, पवन टकरांदी है नाभी नाल, नाभी थोड़ी खुलती है। जिमें शहनाई मुरली है, संख है, फनीरी है, नरसिंह है, ये फूक देण नाल वजदे ने, आवाज कढ़दे ने। नाभी बिल्कुल इंज कह लो संख की तरह है, फनीरी की तरह है, नरसिंगे की तरह है। पवन टकरांदी है, उत्थों बाणी आवाज निकलती है। देही माटी बोले पवन, नाभि मास दा टुकड़ा मिट्टी, देही माटी, पवन दे टकरांदियां आवाज निकलती है। बोले पवन, देही माटी, बोले पवन। जैसे मन दे फुरना होंदा कुछ भी बोलन दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभी थोड़ी जिया खुलदी, इथों आवाज उठती है, उन्हों परा कहिंदे ने, सिर्फ धुन उठी है। वो फिर उठ के धुन हिरदे तक पहुंचती, इन्हों पसंती कहिंदे ने, इत्थे अखर बनदे ने, आवाज नू अक्षर मिलदे ने।
ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਧੁਨ ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਧਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੌਕਾ ਕਿਹਾ ਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਧੁਨ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾ ਬਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ। ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੀਏ, ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਸ਼ਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਸੇ ਧੁਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਬਾਓ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਗਨ ਆਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਨੇ ਦੇ ਬੋਨੇ, ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਸੁਣਨਾ। ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਰਸਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਧੁਨੀ ਵਾਪਸ ਕੰਠ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਸ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਸ ਗਏ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਧੁਨ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਸੁਣੇ। ਪੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਬੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਣਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਇਸ
लंबे चौड़े चक्कर च ना पै जाना। अगर बाणी जपी जा रही है ये सिमरन है, तो जपना की है, जबान उच्चारण करे मन सुने। थोड़ा जब बड़ा लाभकारी है, बहुता पढ़ना कोई लाभकारी नहीं। वध तो वध इतना लाभकारी हो सकता है बाणी याद हो सकती है, बाणी का पता चल सकता किड़े अंग ते किड़े पातशाह दी है। मनुख की जिंदगी च कोई तब्दीली नहीं आएगी, पलटा आएगा सुन दे। अगर ये धुन वापस जान लग पे, ध्यान थोड़ा गहरा जान लग पे, ध्यान ते सवार होके धुन कंठ तक आ गई है, ऐसे मनुख नू रस आवेगा, आनंद आवेगा। अगर रसना ते इस तरह दा रस वस गया है, तो ऐसा मनुख कई दफा जो कुछ बोलता हो भी जाता है। इस वास्ते धार्मिक जगत विच ऐसे मनुख नू सावधान किया जाता है, अरल बरल ना बोली, तेरा व्यर्थ बोलिया किसी की जिंदगी तबाह कर देगा। ऐसा हो जाए रसना ते जो बस गया, रसना शक्तिशाली हो जाती है, बाणी विच बड़ी बरकत ते ताकत आ जाती। कर्म खंड की बाणी जोर इजोर वाली हो जाती, ताकत वाली हो जाती। बड़ा लंबा चौड़ा निखेड़ है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। अगर ध्यान साधना कर दिया है, ध्यान होर गहरा चला गया है, हृदय तक चला गया है, वो धुन हृदय तक चली गई है, ऐसा मनुख ब्रह्मांड दे जो अनाहद नाद है उन्हों सुनन लग पाएगा। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे, अनहद दियां शहनाइयां, अनहद दे वाजे। आहत अनाहत दो तरह के शब्द, आहत कहते चोट नीने आहत पहुंचा दी, चोट पहुंचा दी। आवाज जड़ी दो चीजा के चोट तो पैदा हो, जो साढ़े कन सुनते हैं आहत शब्द है। वाहेगुरु वाहेगुरु असी जो उचारण करने आहत शब्द है, पवन नाभि टकरांदी धुन पैदा होंगी, आहत शब्द है, चोट तो पैदा होंगे। पत्थर नाल पत्थर टकरावे, पवन दरख्तां नाल टकरावे, पानी पत्थरां नाल टकरावे, धातु नाल धातु टकरावे, सोने नाल सोना टकराए, लोहे नाल लोहा टकराए, टकराव तो जिहड़ी आवाज जिवें दो हत्थां नाल ताली वजदी है, इहनू आहत शब्द कहिंदे ने। अनाहत जो सारे ब्रह्मंड दे च मौजूद है, चोट करके उह शब्द नहीं है, परमात्मा दी आवाज है, ब्रह्मंड दे च गूंज रही है। सुनाई क्यों नहीं देंदी, मन चुप करे तो सुनाई देंदी। इसे नु कहे वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे, केते राग परिसों कईयन केते गावण हारे। ओ आवाज संगीतमई है, गीतमई है, भगत सुन के बिस्माद दे चले जांदे ने। आहत दो चीजां दे टकराव तो, अनाहत जो ब्रह्मंड दे च व्यापक है आवाज, दूर क्यों जाओ, सैंस सहजे सहजे नेड़े आ रही है, कह रहे ने सारा ब्रह्मंड आवाज तो पैदा होया, धुन तो पैदा होया, धमाके तो पैदा होया। किसी वक्त फिर इसका जिक्र करांगे, वो मनन लग पैने। उत्पत परले शब्दे होवे गुरबाणी ते कह रही है, ये उत्पत्ति शब्द तो है, धुन तो है, ब्रह्मंड की सिरजना धुन तो है, और धुन तो शब्द आया है, तो फिर ब्रह्मंड दे धुन मौजूद है। जैसे मां बाप तो यह शरीर आया है, तो शरीर दे मां बाप की अंश मौजूद है। महाराज कहते हैं पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, रामकली मल्ला पैदा। पुरुष के अंदर स्त्री है, स्त्री के अंदर पुरुष है, मां बाप तो शरीर आया, दोवां दी अंश शरीर दे मौजूद है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है, पिता की अंश ज्यादा है, मां की घट है। स्त्री इस वास्ते स्त्री है, मां की अंश ज्यादा है, पिता की घट है। मात्रा का भेद, इन्हू कहिंदे मात्रा का भेद। यह मात्रा कई दफा प्राकृतिक नियम के मुताबिक घट वध जाती है। बेशतर पुरुष स्त्री होंदे देखे गए ने, स्त्री पुरुष होंदी देखी गई है, चक्र चेन बदलते देखे गए। और ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्व होया है,
ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਸਾਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਿਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਪਰੀਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਕਨਿਆ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ, ਭਾਈ ਕੋ ਅਤ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਲਪਕਦੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਤਰਫ ਲਪਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ, ਭਾਈ ਕੋ ਅਤ ਭਾਈ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਜੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾਰੀ ਦਾ, ਨਾਰੀ ਮਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਹੈ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਂਝ ਨਾਰੀ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਜਕੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਹੈ, ਚੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੈ, ਗੀਤਮਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਨਸੰਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਵਾਜਾ ਕਿਹਾ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਹੈ, ਅਨਾਹਦ ਦੇ ਵਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਦੇ ਵਾਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨਾ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਧੁਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਗਤ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਗਤ, ਔਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧੁਨ ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਰਾਬਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਧੁਨੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਧੁਨ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਨਾਭੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਆਜ ਕਾਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇਰੀ ਗਾਂਠੜੀ। ਇਹ ਗੰਢ, ਇਹ ਨਾਭੀ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਭੀ ਦੇ ਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਭੀ ਚ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਉ ਹੋਵਾ ਸੇਤ।
इंज मुठियां बंद करे ते दंद वजन कंबनी छिड़े समझ लो आखिरी प्राण जा रहे है। ये आखिरी प्राण नाभी चो जांदा है, नाभी पूरी खुल जांदी है। एक मौत दी चोट नाल आखिरी प्राण जब निकलदा है ये नाभी खुलदी है। एक धुन दी चोट नाल वाहेगुरु वाहेगुरु जो जप रहे है ये नाद ये आवाज जे धुनी नाल टकरा गई ये धुनी पूरी खुल जाएगी, जबान ते बंद हो जाएगी। ऐसा मनुख वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपेगा, ऐसा मनुख वाहेगुरु दा रूप हो जांदा है, वाहेगुरु उस दे अंदर चलदा है, वो वाहेगुरु दे जीण लग पैंदा है। लेकिन जिस वक्त ये नाभी पूरी खुलदी है हालात उसदे भी ओही होंदे ने, मुठियां बंद होंदियां ने, कंबनी छिड़दी है। कंबदे होए मुहम्मद साहब गार तो घर दे आए सन, खदीजा ने पता नहीं कितने कंबल पा दिते सन, की हो गया। माता तृप्ता वैद नू बुला ले आई सी, पता नहीं मेरे पुत्र नू की हो गया, कंबनी छिड़िए मुठियां बंद हो गया, दंदियां वज रही ने, घबरा के वैद नू बुला ले आई सी। उसे नू मेरे पातशाह ने कहा, वैद बुलाया वैद गी पकड़ डंडोले मां, पर भोला वैद न जानी करक करे जे मां। खेड कुछ हो रहे नू समझ नहीं, इनू पता नहीं। शेख सादी दी भी ए हालत होई, मां बुला ले आई सी तबीब नू। शेख सादी ने भी उसनू कहा, असरे बाली ने मन बरखैज ऐ नादान तबीब, दर्द मंदा इश्क दा दारू बजुज दीदारे ने, ऐ नादान तबीब तैनू नहीं समझ एक घटना की घटी है, ये खेड की वरती है, ये भाणा की वरती है, तैनू कुछ नहीं पता। तू शरीर शास्त्री जरूर है, मेरी कंबनी वेख के मेरे शरीर दे हालात वेख के तू अपने ढंग नाल अंदाजा लाएगा, पर मैं शरीर तो अग्गे चला गया। असरे बाली ने मन बरखैज ऐ नादान तबीब छड़ मेरी बां, ये तेरे वस दी गल नहीं है। ये हालत जदों होंदी है ऐसा मनुख समाधि लीन हो जांदा है, अठे पैर वो ईश्वर दे जीवंदा है। ऐसे मनुख नूं कोई पागल कह सकदा है? भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। कहिंदे ने नाभ खुलदे ये घटना घटी मनसूर दी, ओदी जबान तो निकलिया अनल हक अनल हक। हुण भारत दे च अगर कोई कहे अहम ब्रह्मस्मी मैं ब्रह्म हो गया तो इसनू बुरा नहीं मनांदे, ये शिखर दी अवस्था है। जैसे कबीर कहिंदे ने, कबीर जांको खोजते पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भया जांको कहता और, जिन्हों मैं होर कहिंदा सी ते मैनू अंदरों लप्पे है, वो ते मैं खुद मैं राम दा रूप हो गया, राम कबीरे वेद ना भाई। भारत दिच ऐसा मन देने, लेकिन मिस्र दिच इजिप्त दिच उन्हें क्या अनल हक, उसका मुर्शद सी जुनैद, उन्हें आखे मनसूर अज ते आखे मेरे डेरे तू आखे बार किधरे नाख बैठे, नहीं तो कुफर दे इल्जाम में पकड़िया जाएगा। मंसूर कह लगा, अच्छा नहीं आखांगा, पता है जुनैद ने की आख्या, खुदा दी कसम खा नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा, कसम है खुदा नहीं खावांगा नहीं कहांगा, खा ली कसम खुदा दी। दो चार दिन लंघे, वकत दे हुक्मरान ने सारे फकीरां नूं बुलाया सी, कारे दे सारे फकीरां नूं, जिहड़े चंगे चंगे फकीर उलमा सन, जुनैद नूं भी बुलाया शाम दी दावत ते खाने ते। जैसे जुनैद जान लगा ते मंसूर नूं कहण लगा, बेटा रोटी ते तू भी खानी आउणी आ, चल शहनशाह दी दावत है, बुलाया है फकीरां नूं तो मेरे नाल चल। चल पिया, मुरशद दा हुक्म सी चल पिया।
दस्तरखान ते सारे फकीर बैठे ने अंदाजन 50-55 दे करीब लंबा दायरा शहनशाह भी बैठा है। हुण एक बादशाह ते इतने फकीर हुण कुदरती गल है रब्बी गल चलेगी। वारी वारी फकीर विचार वटांदरा कर रहे ने खुदाई गल्लां कर रहे ने सुनदियां सुनदियां फिर ताब नहीं रख सकया मनसूर मुंह निकल गया अनल हक अनल हक अनल हक कुफर दे इल्जाम दे बादशाह ने पकड़वाया इते काफर जुनैद नु भी डांटिया तू नाल काफर रख दे इस तरह दे बंदे नाल रख दे। 16 दिन मुकदमा चलिया ते 16वें दिन सजा की सुनाई इनू सूली ते चाड़ दो ताकि आईंदा कोई काफर ना बने। सरेआम सूली ते चाड़ना बड़ी भीड़ कठी हुई पहुंचिया जुनैद भी इतिहास कहिंदा है मुरशद भी पहुंचिया मनसूर दे कोल गया। पता कि उसने आख्या ऐ मेरे बच्चे आखरी अनुभव मैं तेरी चोली च पावां पागलां दी भीड़ दे च इतना स्याणा हो जाना भी पागलपन है पागलपन है। मूर्खां दी भीड़ दे च इतना अकलमंद हो जाना यह भी एक मूर्खता है। गुनाहगारां दी भीड़ दे च इतना पुनीत हो जाना पवित्र हो जाना यह भी एक गुनाह है ऐसा मैनू दिखाई दे रहा है। पागलां दी इतनी वड्डी भीड़ तू कल्ला मैं नहीं बचा सकता तेनू मैं नहीं बचा सकता। मुरशद ने कदमां दे ते सजदा कीता मैं तेनू दसिया तू सुन के पहुंच गया पर मैं दसण वाला जे रस्ते चा नहीं पहुंचया मैं तेरे कदमां ते सजदा करदा तेरे अंदर रब बोलदा तू रब नू सुनदा तू शरीर तो उच्चा उठ गया ये जगत नू नहीं पता भावें तेरे शरीर दे टुकड़े करनगे तू ते शरीर तो उच्चा है पर इस जगत नू कुछ नहीं पता पागलां दी भीड़ है। मुख्तसर मैं अर्ज करा अनल हक उसने ऐसी आवाज सुनी अहम ब्रह्मस्मी कोई इस तरह सुनदे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने एक शब्द मेरे प्राण बसत है सुन रहे हैं प्राणा चल रहे बहुत जन्म नाम ये आवाज परमात्मा दी हुंदी है व्यापक है। ध्यान किथे जोड़ना है मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करा धुन में ध्यान ध्यान में जाने धुन दे च ध्यान जोड़ना वाहिगुरु वाहिगुरु उचारण करना है इहदे च ध्यान जोड़ना है। कठिनाई की है ध्यान क्यों नहीं जुड़दा कारण की ने एक कारण मैं थोड़े सामने कल रखने ने क्योंकि समा हो गया इस रस्ते की सारी जानकारी थानू होनी चाहिए। तो मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि मेरी ये अवस्था मैं स्टडी की थी मैं पढ़े मैं थानू एक पाठी की तरह सुना रहा खेड ए है असलियत ए है और इतना औखा कम है इतना औखा कम है 10,000 सतसंगी उन किधर एक कद नू समझ पैंदी है ते जब समझ भी पै जाए ते फिर जदो कर दे ते उन्हों असली औखियाई दा उस दिन पता चल दे ये ते आखण औखा साचा ने ते बड़ा औखा कम है असी ते एवें बच्चियां दी खेड समझी रूहे जमीन दे च इतना कोई औखा कम नहीं जितना ध्यान साधना ध्यान नू अंदर ले जाना औखा कम है आखण औखा साचा ना धुन नू फिर धुनी तक ले जाना है कठिन है कम शब्द नू अंदर ले जाना किथे तक ले जाना जिथों उठे है नाभी तो उठे है धुनी तो उठे है धुनी तक ले जाना जिन्हां नू असी अभ्यासी कहने भई बड़े अभ्यासी ने यही कर देना और की कर देना और जे धुनी खुल गई है नाभी खुल गई है ऐसे मनुख की तर्ज जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खावेगी समाज पागल कहेगा। बड़े बड़े अवतारी पुरुष संत वक्त सिर ठुकराए गए ने कबीर नू पागल कह दिता है ये थोड़ी गल नहीं है। नामदेव की जो हालत हुई रविदास की जो हालत हुई इतिहास के सारे पन्ने ने इस वक्त बयान करने का समा नहीं
समय ने उस समय ते नहीं कबूल किया। टैगोर ठीक कहता है, संत ते अवतार जद होंदा है समझिया नहीं जांदा, ते जद थोड़ी जिया लोकां दी समझ बनती है कुछ पता चलता है उदों होंदा नहीं। टैगोर इंज कहता है, क्योंकि खुद भी साधना करता सी, वो निरा कवि नहीं सी, संत कवि सी। तीन कविया नू लोकी संत कवि कहिंदे ने, एक पंजाबी दा, एक उर्दू फारसी, एक बंगाली संस्कृत ते ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा ते बंगाली दे कवि रविंद्र नाथ टैगोर, पंजाबी दे संत कवि भाई वीर सिंह, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मुहम्मद इकबाल, इन्हां तिन्हां नू इक्को ही थां ते रखदे ने। ये संत कवि ने, ये फकीर शायर ने, इन्हां दे च बड़ी भारी गहराई है। रविंद्र नाथ टैगोर कहिंदे ने, सन भगत अवतार जद होंदा है समझिया नहीं जांदा, जद किधरे लोकां दी थोड़ी बहुत समझ बनती है उन्हां दे बोलां नूं पढ़ पढ़ के सुन सुन के उदों होंदा नहीं। ये बहुत वड्डी सच्चाई टैगोर ने जगत दे सामने जो है रखी है। हुण ध्यान धुन दे च क्यों नहीं जुड़दा, कारण की है, ये खुलासा मैं कल थोड़े सामने रखांगा। भावें फिक्का मजमून है, उन्हां लई लाभकारी है जो अभ्यास कर देना, बाकियां लई तेंज हो गए पता नहीं की आखदा पिया, बस आ गए मत्था टेक लिया चले गए, वाग सुन लिया चले गए, थोड़ा बहुत दान पुन कर लिया चले गए। ये कर्म कांड है, ये इस तरह है जिवें बच्चे नूं खिडौणियां दी लोड़ है, खेड़दा पिया लोड़ है, पर बच्चे नूं लोड़ है जवान भी खिडौणियां नाल खेड़े और उन्हां खिडौणियां नाल। जद पंज साल दा सी खेड़दा सी नाम अभ्यासिक ऐसी स्टेज ते पहुंच जांदा है, कर्म कांड नहीं रहिंदा, छुट जांदा है। अगर कर्म कांड छुटिया नहीं 10 साल 20 साल दे च, तो यह बोना रह गया, विकास नहीं होया, तरक्की नहीं हुई, यह तो बोने का बोना रह गया। किसी की अकल नहीं वधदी, किसी का शरीर नहीं वधदा, ऐसे बोने तो थोड़े ने जिन्हां दे शरीर का विकास नहीं आउंदा, बहुत थोड़े ने, पर ऐसे बोनियां नाल समाज सारा संसार भरिया पाया जिन्हां दी अकल का विकास नहीं आउंदा, खास करके धार्मिक अकल उत्थे दी उत्थे रुक जांदी। तो मैं फिर दोहरावां, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, सारे धार्मिक कर्म निष्फल समझ ले अगर तू जप नहीं कर रहा। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा, जप दे च बाधा की है, ध्यान टिकदा क्यों नहीं। ये जो गुरु नानक देव जी महाराज कारण दसदे ने एक पाठी दी तरह पढ़ के, बाकी विचारा मैं कल थानू सरवण करावांगा। इत्थे ही समाप्ति, समा काफी हो गया, बुल चुक दी क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।